गुड इवनिंग टू ऑल, स्वागत है थोड़ा सब दा अपने यूट्यूब चैनल लर्न माइल दे विच। सब नू मेरे वालों प्यार भरी सत श्रीकाल। किवें हो जी सारे? मैं उम्मीद कर दिया कि सारे वधिया होंगे। और फस्ट ऑफ ऑल सब दा जी आया नू अपने यूट्यूब चैनल ते। अगर तुसी हले तक लाइक सबसक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सबसक्राइब प्लीज़ कर दो अपने चैनल नू। टैलीग्राम ग्रुप दे विच तुसी जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। नवीं वैकेंसीज बारे तुहानू हुण दस दईए कि NVS नॉन टैक्नीकल वो पोस्ट जिहड़ी निकली हुई है, जो 10th प्लस टू ग्रैजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है। कमेंट बॉक्स के विच तुसी जिहड़ी है दस सकते हो उस वैकेंसी बारे, मतलब पूछ सकते हो जो भी तुसी कुछ पूछना। तो आप तुहानू वो ऑफिशियल वैबसाइट ते होर की कुछ उहदे वास्ते चाहिए, की जरूरी है, की पेपर होगा सारा। दूसरी चीज़ SSC CHSL, ये वैकेंसी है जो सेंटर लैवल की भर्ती होंगी, वो बारे में मैं तुम दस रही हूँ। अज तो उनके फॉर्म जोड़े है वो भरे जाने हैं, ठीक है। चंडीगढ़ फिलहाल जो भी भर्ती आएगी मैं थोड़ा वो बारे जल्दी ही अपडेट करूँगी, ठीक है। SSC जी होंगी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तुम्हें पता ही ये वैकेंसी निकली है। 10th प्लस टू कोई भी जोड़ा है अपलाई कर सकता है, तो यह जरूरी है थोड़े वास्ते। और लिंक वगैरह जो भी होएगा वो मैं थोड़ा जोड़ा है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से थोड़ा प्रोवाइड करवा दूँगी, एक बार तुम कमेंट बॉक्स कमेंट कर लियो। दूसरी चीज़ आप गल ते आने जो कल ETT यूनियन लाइव हुई सी, और अज ही मैं जी है थोड़ा अपने चैनल पर दिखाया भी सी। जिन्होंने नहीं देखी तो उत्थे जाके देख सकते अपने चैनल पर। तो उहदे विच की कहिंदे है जो प्रधान जी है ETT यूनियन के, दीपक कंपोज जी, उन्होंने गल कही है कि ETT 6635 तक एक खुशखबरी देखने को मिल रही है कि 10 फरवरी में ही यदि सुनवाई होगी। ETT यूनियन वाले ने कहा कि 10 फरवरी में ही सुनवाई होगी, उस तो पहला 4 फरवरी में, यानी कि परसों सुप्रीम कोर्ट ने ये बारे गल करनी है कि पता अपना फैसला जोड़ा है वो 4 फरवरी में ही आ जाए। ETT से BSTC JBT DLED सारी ऑल इंडिया जो है प्राथमिक मतलब जोड़े आप शिक्षा भर्ती कह सकते हैं वह, ठीक है, जूनियर जी आप जमा कहने मतलब कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उन्होंने वास्ते सुप्रीम कोर्ट जोड़ा केस चल रहा है, राजस्थान हाई कोर्ट वाला जो एक केस चल रहा है, 4 फरवरी में सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के। उत्ते भी आपां फोकस करांगे कि मतलब कि रिजल्ट आता। देखो गल ये है कि NCTE अपना कोई जवाब देवे, NCTE कोई जवाब दे कि उस बेसिस से सारा सॉल्व होएगा, क्योंकि रीट भी इस करके ही खिल रहा पै, रीट का भी कुछ नहीं बन रहा, कोई भर्ती पूरी नहीं हो रही, इस गल करके कि ऑल इंडिया जिहड़ा है यह माहौल खराब होया पाया। BEd versus BSTC, BEd versus ETT, BEd versus JLED, JBT versus BEd सारे कितने हो चलिया। सो यदा जिहड़ा पंजाब च 10 फरवरी में होएगा ही होएगा, ये डेट अगे नहीं वधी। और दूसरी चीज़ जिहड़ी है बहुत खुशखबरी है, तो 4 फरवरी जिहड़ी है वह सुप्रीम कोर्ट का। 2364 जिमें कि ETT यूनियन वालों दसा 2364 बहाल करन दी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन BEd तो बिना उदों ही हो पाएगी जदों ये सारा कुछ सैट होएगा, जदों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा या हाई कोर्ट का फैसला आएगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। अगर कुछ आंदा, अगर अगे दी अगे डेट्स नहीं पैंदियां, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ आवे, जल्दी तो जल्दी फैसला आवे, क्योंकि ये भी इन्हां नूं मतलब देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि किन्ने ही जने जिहड़े है रुजगार नहीं मिल रहा बहुत सारे यूथ नूं इन्हां करके, ठीक है। दूसरी चीज़, 9994 का नोटिफिकेशन, न्यू सरकार आएगी तो 9994 का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो यदा भी उदों ही है जो 6635 2364 बाई पोस्टा का हल जोड़ा है होएगा, तो ही 9994 का हल भी होएगा। सैकेंड लिस्ट आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन यदा एक सोल्यूशन होते आएगी, ठीक है। एक जो सोल्व हो गया सारा मैटर, 6635 2364 बहाल होए, 6635 की मैरिट लिस्ट होर आएगी, होर डाउन जाएगी अगर 2364 बहाल होंगी। सो ये छोटी जी अपडेट देनी सी, उम्मीद करती कि थोड़ा वधिया लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलियो। सो दिस इज़ लर्न माइल साइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।